बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। अब जो सूरत हाल सामने आई है, सीमा के अब तक के सबसे ज़्यादा अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़ात, उसकी शादी कैसे हुई, वो कैसे भारत गई, किस फ्लाइट पर गई, उसके बच्चे कौन हैं, क्या उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, तमाम चीज़ें इस वक्त आपको दिखाने जा रहे हैं। और फिर उन सवाल के जवाब भी तलाश करते हैं कि उसको हिंदी अचानक कैसे आ गई, कैसे उसको कुरान मजीद की तमाम आयात में से कोई एक आयत याद नहीं है, उसको नमाज का पता नहीं है, उसको ये तक पता नहीं है कि फजर के बाद जोहर होती है, जोहर के बाद असर होती है, फिर मगरिब होती है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो अब तक भारतीय मीडिया के पास भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो अब सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये एफिडेविट है, इसको ज़रा आपने गौर से देखना है। ये एफिडेविट क्या है? ये असल में वो एफिडेविट है, यानी जो स्टाम्प है, सीमा ने 15 फरवरी 2014 को जैकबाबाद की अदालत से शादी की इजाज़त ली थी। सीमा ने कहा मेरी एज 27 साल है, आईडी कार्ड पर उसकी एज 21 साल लिखी हुई थी। अब वहाँ पर सीमा के मुताबिक कि भाई उसने कहा कि जी मैं 19 साल की हूँ, सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस एफिडेविट के मुताबिक उसने कहा कि मेरी एज 19 साल है, तो फिर आईडी कार्ड के, यानी जब 2014 में उसने इजाज़त ली तो उसके मुताबिक जो उसकी 12 साल एज बनती है, अब उसके बाद अदालत ने इजाज़त दी तो उसके बाद उसने ग़ुलाम हैदर से शादी की, उसने बताया जी मेरी एज 19 साल है। सीमा असल में उसका नाम था उस वक्त सीमा रज़ा, और सीमा रज़ा ग़ुलाम रज़ा की बेटी हैं। ग़ुलाम रज़ा रिक्शा ड्राइवर थे और वो फौत हो चुकी हैं। इनके एक भाई सरकारी मुलाजिम है, जिनको ये सारी दुनिया में कहती फिर रही हैं वो मेरे भैया हैं, वो मेरी भाभी हैं, और वो उनकी पत्नी है, और मेरी दो दीदी हैं, और वो फलाना है, और मेरे पति जो हैं वो उधर होते हैं। यानी वो हिंदी वर्ड यूज़ कर रही है, ऐसी हिंदी जो आम रूटीन में आप एक दफ़ा यूज़ करते हैं, चलो मैं इंडिया को दिखाने के लिए, लेकिन आप कंटिन्यूसली इतनी ज़्यादा बातें करें, श्लोक आपको याद होना शुरू हो जाए, ये सवाल अभी तक वहीं पर हैं। 1 जनवरी 2018 से ये अब उनके बच्चों के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ज़रा देखते जाइएगा। ये 1 जनवरी 2018 से इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 1 जनवरी 2021 के दरमियान सीमा ने 4 बच्चों को जन्म दिया, यानी 18, 19, 20, 21 लगातार हर साल एक बच्चा आ रहा, और सीमा ने 4 साल मुसलसल 4 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से 3 के पास बड़े अहम और महंगे तरीन फ़ोन थे जब वो गई और वो सारे फ़ोन चलाते थे। यानी सचिन 6000 करियाने पे काम करने वाला, उसके पास वो चीज़ें नहीं थी जो इसके पास थी। और वो कौन सी ऐसी पबजी है, यानी मीम ऐसी बन रही है कि सीमा को चूज़े पसंद है, उसने एक चूज़े से शादी कर ली। भाई इस सारी सूरत हाल में 4 बच्चों को छोड़ कर तुम चली गई हो और 4 बच्चे लेकर गई हो। अब असल कहानी यहाँ पर कि सीमा ने ट्रेवल कैसे किया। देखिए, 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम है। सीमा ने 10 मई को फ्लाइट नंबर FZ336 के ज़रिए सफ़र किया। उससे पहले के सफ़र का कोई रिकॉर्ड नहीं। सीमा ने कहा कि मैं नेपाल एक दफ़ा गई थी, जहाज़ पर वीज़ा लिया था और फिर वापस आ गई थी। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर फिर सीमा 18 मई को G9542 के ज़रिए शारजा से कराची वापस आई। उसके बाद आप ये देखिए कि सीमा ने फिर दोबारा बच्चों के हमराह सफ़र किया और वो चली गई। यानी ये अभी तक जो सूरत हाल है वो क्लियर नहीं हो सकी कि वो शारजा क्या करने के लिए गई थी। अगर सचिन से मुलाकात उधर थी तो वो किससे मिलने के लिए गई थी, कौन था वहाँ पर जिससे वो मुलाकात करने के लिए गई, बच्चों को उसने किसके आसरे पर छोड़ा। जाहिर सी बात है, ऐसी सूरत हाल तो हो नहीं सकती, वो बच्चों को छोड़कर किसी ना किसी के पास वो छोड़कर गई है, तो कौन थे वो जो उसके बच्चों को संभाले थे, और वो क्या करने के लिए गई थी। खामंद उसका सऊदी अरब था, तो क्या उसको नहीं पता कि वो कहाँ पर गई है। देखिए कि रिक्शा चलाने वाला बाप अगर हो तो एक लड़की कितनी तेज़ हो सकती है कि अकेले बच्चों को छोड़कर वो शारजा चली जाए या दुबई चली जाए, फिर उसके बाद वो एक दफ़ा नेपाल होकर आए, बकौल उसके कि वो नेपाल गई है और फिर वापस आई, और फिर अगली दफ़ा बच्चों को लेकर नेपाल चली गई है और उसने घर भी बेच दिया। वो कह रही थी मैंने कमेटियों से डाली है खामंद, कि बकौल उसके कि वो 35-40 हज़ार से ज़्यादा कमाता नहीं है। तो फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर अब जो आईडी कार्ड सीमा का आया है उस पर जी गलत इंदराज हुआ हुआ है, डाटा है। सो सीमा का अगर आईडी कार्ड के ऊपर गलत इंदराज है तो निकाह भी उसका गलत हुआ, फिर इसका मतलब है उसके बच्चों के जो तमाम दस्तावेजात बनी है वो भी सारी की सारी गलत है।
तो आप सबसे पहले तो पूछे कि किसने, जब अदालत ने 2014 में कहा है कि ठीक है आप शादी कर सकते हैं जकवाबाद की अदालत ने, तो उसका 2002 का आईडी कार्ड किसने बना दिया? ये देखिए एक सवाल इतना बड़ा है कि उसकी एज किसने कम करवा के, और उसका एक क्या वो कहती है मैं 27 साल की हूँ, और फिर जकवाबाद की अदालत के अंदर जो केस आया सामने उसके मुताबिक तो वो कह रही थी वहां पर 19 है। तो अगर 19 है तो फिर इसका मतलब 2014 में जब उसको शादी की इजाजत मिली है 19 साल की एज में, तो उसके आईडी कार्ड के ऊपर तो एज होनी चाहिए थी पीछे जाकर। लेकिन वो 2002 के यानी 2014 को जब अदालत ने इजाजत दी तो उसकी एज उस वक्त 12 साल थी, तो किसने आईडी कार्ड इसका गलत बनाया? ये तो इतना बड़ा फ्रॉड है, ये तो इतना बड़ा सेंसिटिव मैटर है। दूसरी बात देखिए, देखिए सबसे बड़ी बात अभी तक जो हवा में लटकी हुई है वो ये बात कोई हजम करने को तैयार नहीं। अब ये कहा जा रही पाकिस्तान के अंदर उसके बॉयफ्रेंड है, और जी पाकिस्तान के अंदर उसकी फ्रेंड्स हैं, फलाना है। भाई कोई अभी तक इस बात सामने आए कि वो यहाँ से कैसे गई, आईडी कार्ड किसने गलत बनाया, वीज़ा इशू करवाने वाला एजेंट कौन सा था, कैसे उसने ये सारे का सारा काम किया। पहले वो जब नेपाल गई थी तो वो अकेली क्या करने के लिए गई थी, फिर वो वापस कैसे आ गई, बच्चे पीछे उसका कौन संभालता था, फिर वो चारों के चारों बच्चों को लेकर वो चली गई। और सबसे बढ़कर जो बड़ी बात है जो भारत के अंदर पूछी जा रही है, वो कह रहे हैं कि सीमा पाकिस्तानी है, आप इसको डिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? चार बच्चे हैं उसके, सीमा है वो, देखे कानून समझिए, वो इलीगल तरीके से आई है, और उसके पास ना नेपाल का यानी उस वक्त तो नेपाल का वीज़ा था, नेपाल से आगे का कोई टिकट नहीं था, ना उसके पास दस्तावेजात थी। आपने जब नेपाल से भारत आना जाना होता है तो आपको या तो आधार कार्ड दिखाना होता है या आपको कोई आईडी कार्ड दिखाना है, पासपोर्ट दिखाना है, कुछ दिखाना है। तो सीमा ने वहाँ पर उसके बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट या पाकिस्तानी चीज़ें, इसका मतलब है कि जो उसका आईडी कार्ड गलत बना उसके मुताबिक उसका पासपोर्ट के अंदर भी डेट गलत है, तो पासपोर्ट भी आपने गलत बना कर दिया। तो फिर पासपोर्ट गलत बना तो वहाँ पर भारत में जब वो एंटर हो रही थी तो वो वहाँ पर उसको पूछा क्यों नहीं गया कि तुम कहाँ पर हो, सीमा तुम बताओ ना तुम कहाँ पर हो, तुम अभी तक एंट्री ले रही हो यहाँ पर, तुम बताओ कि तुम्हें यहाँ पर कोई पकड़ा क्यों नहीं, किसी ने पूछा नहीं, ऐसे ही आपने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, वहाँ पर वो देखते हैं आपके पास है या नहीं, वरना तो कोई दहशतगर्द घुस है। अब वहाँ से वो भारत आ जाती है और भारत आने के बाद उसको आगे डिपोर्ट भी नहीं किया जाता और मीडिया पर उसको भाभी भाभी बनाया जा रहा है, बड़ी क्या बात है जी हमारी भाभी आ गई है। और वो अचानक से फिर जाती है और फौरी तौर पर मज़ा तब्दील करती है, फिर उसको सारी सूरतें भी भूल जाती हैं, उसको ये भी भूल जाता है कि फजर के बाद जोहर होती है, जोहर के बाद असर होती है, वो कहती है जोहर के बाद मगरिब होती है, और फिर वो कहती है मैं नमाज़ें भी पढ़ती थी, नमाज़ें पढ़ती थी तो उसको सूरह फातिहा नहीं आती, उसको ये नहीं पता कि नमाज के लिए खड़े कैसे होना है, उसको कलमा भी नहीं आता। यानी आप देख लें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम्स हैं वो कलमा पढ़ते हैं, वो कहती है अनर्थ हो जाएगा, वो कहती है उसको अचानक से श्लोक याद होना शुरू हो जाता है पूजा पाठ के और ये तमाम चीज़ें, फिर वो कहती है अनर्थ हो जाएगा, फिर वो कहती है शुभ घड़ियाँ हैं, वो कहती है मेरी दीदी थी, मेरे माता पिता थे, वो ख़त्म हो गए। आप अगर आपके पेरेंट्स फोत होते हैं तो आप उनको कहते हैं वो फोत हो गए हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, या फोत शुदगान है, आप कहते हैं वो ख़त्म हो गए हैं, मेरे भैया हैं, उनकी पत्नी है, और ये फलाना है, जीजी है, ये यानी ये वर्ड्स कौन यूज़ करते हैं पाकिस्तान के अंदर? आप बताइए दुनिया में आप जाते हैं कहीं पर भी, आप किसी कल्चर में हो, ये जितने भी अरब के लोग जो यूरोप जाते हैं वो वहाँ पर जाकर यूरोपियन एक्सेंट में बात करते हैं। आप अगर बरतानिया में पैदा हुए हैं तो आपके पीछे से चाहे आप अफ्रीका के हैं पाकिस्तान के हैं तो आपका एक्सेंट वो हो जाता है। भाई आप पाकिस्तान में पैदा हुई हैं, पाकिस्तान में पली बड़ी हैं, 27 साल पाकिस्तान में रही हैं और हिंदी आप ऐसे बोल रही हैं कि जैसे इंतहा नहीं, और आपको अचानक सारा कुछ इस्लाम का भूल गया है। चले आप बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं आती सूरतें, कुछ भी नहीं आता, आपको इतना तो पता होगा कि भाई फजर जोहर असर मगरिब इशा, फिर आपको कम से कम कलमा तो आता होगा, ये भी नहीं आपको आता, उसको ला भी नहीं पढ़ना आ रहा था। इंडियंस जो हिंदू वहां पर हैं रहने वाले, उनको भी पता है कि मुस्लिम क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते, तो मुसलमानों में रही हो तुम्हें पता ही नहीं है, फिर उसके खावन का कुछ अता पता नहीं है, कैसे वो अकेली लड़की शारजा जा रही है टिकट लेकर, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, फिर वो अकेली किससे मिलने के लिए गई, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। फिर उसके बाद वो एक दफ़ा नेपाल गई है,
आप देखिए उसके जो नेपाल दो दफा जाने के कोई ऐसी सफरी दस्तावेजात नहीं मिल पा रही, कहां पर गई है, कैसे गई है, किसके साथ गई है। ये जो मामला था ये अभी तक उलझे हुए हैं। इन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद के ऊपर पता ये चलता है कि उसकी शादी, यानी ये पाकिस्तान में हम दुनिया को ये बता रहे हैं कि भाई हमारे मुल्क के अंदर जाली डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, और देखो आप उम्र जितनी मर्जी कम करा लो, जितनी मर्जी छोटी करा लो, बड़ी करा लो, कोई पूछने वाला नहीं। यानी उसकी एज कम है, उसका पासपोर्ट के ऊपर ही वो लिखा है, बच्चों की भी विरागे गलत है उसके खावन। यानी ये आपका देखिए कितना बड़ा धब्बा है पूरी दुनिया के ऊपर कि वो कह रही है मैं 27 साल की हूँ। अब ये पता चल रहा है कि भाई उसकी एज 2002 के अंदर है, यानी उसने 2014 के अंदर, आप सोचो उससे 4 बच्चे पैदा कर लिए, वो नाबालिग थी, तो उसका इंदराज भी होना शुरू हो गया नादरा के अंदर, ये तमाम चीज़ें। और जिसने फिर गलत इंदराज किए उसके खिलाफ क्या कार्रवाई है? अभी तक ये जितनी दस्तावेजात हैं वो खराब निकल रही हैं, वो गई कैसे है, वो उसका कुछ अता पता नहीं है, दाएं का नहीं पता, बाएं का नहीं पता, कैसे वो चीज़ें भूलना शुरू हो गई है। अब तक की सारी मालूमात जो बता रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ सवालात ही सवालात है, जवाब अब तक इसका कोई नहीं मिला कि कैसे वो गई। और वो सारा कुछ छोड़ छाड़ कर, यानी एक वो लड़के के लिए चली गई, उसका घर देखिए क्या सूरत हाल है, जो 6000 रुपया कमाता है और वो उसके लिए चली गई है वहां से, और फिर कहा जा रहा है क्रिकेट देखने के लिए गई। भाई अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने के लिए गई है तो पाकिस्तान में कराची में जो मैचेस हुए थे, या पाकिस्तान के अंदर पंजाब में लाहौर में मैचेस हुए हैं, शारजा दुबई जाना मुश्किल है, नेपाल जाना मुश्किल है, भारत जाना मुश्किल है, यहाँ पर वो मैचेस देखने आई है। वो इतने टिकटॉक बनाती है, उसकी कोई वीडियो है कराची के अंदर जो मैचेस हुए हैं वो देखने के लिए गई थी, वो तो कराची रहती थी, गई है तो कोई तस्वीर होगी, वो तो हर चीज़ के टिकटॉक बनाती थी, कहा जा रहा है उसको क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक था, नहीं उसको पबजी का नहीं था। ये वो सवाल है जिनके जवाब आते नहीं है, कहानियाँ ही कहानी है, और कहानी एक के बाद एक बनती जा रही है, और शायद सारी ज़िंदगी भी हम लगे रहे, तो हो सकता है सच सामने ना आए, ना मोदी उसको डिपोर्ट कर रहा है, ना वहाँ से बॉर्डर से चेक किया जा रहा है, और ये अजीब तरह का मामला है जो उलझ ही रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।